नमस्कार, आज सीखेंगे सेल्फ अटेंडेंस और मार्क ऑन ड्यूटी में क्या अंतर है। सबसे पहले हम अपना टीचर आईडी लॉगिन करेंगे। टीचर आईडी एवं पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा प्रोफाइल खुलकर आ जाता है। अब हम मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। मार्क अटेंडेंस आने के बाद दो ऑप्शन शो होता है, सेल्फ अटेंडेंस, मार्क ऑन ड्यूटी। इस वीडियो में लॉगिन होने के बाद मार्क अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे। मार्क अटेंडेंस में दो ऑप्शन दिखता है, पहला ऑप्शन सेल्फ अटेंडेंस, दूसरा मार्क ऑन ड्यूटी। हमें सेल्फ अटेंडेंस कब बनाना है एवं मार्क ऑन ड्यूटी कब बनाना है, आइए जानते हैं। सेल्फ अटेंडेंस जब हम अपने विद्यालय में रहेंगे तो सेल्फ अटेंडेंस बनाएंगे। अगर अभी हम प्रयास करके देखें तो सेल्फ अटेंडेंस नहीं बन पाएगा। यह हमें अपने स्कूल से यहाँ की दूरी को दर्शाएगा, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। मार्क ऑन ड्यूटी, मार्क ऑन ड्यूटी हम तब बनाएंगे जब हम अपने विद्यालय से डेप्यूटेशन पे किसी अन्य विद्यालय में हैं, या फिर हम किसी कारण से, ऑफिशियल कारण से अपने विद्यालय को छोड़कर जा रहे हैं, या फिर आप किसी ट्रेनिंग में गए हुए हैं, तो वहाँ पे आप मार्क ऑन ड्यूटी का प्रयोग करेंगे। मार्क ऑन ड्यूटी में आपको लोकेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी मार्क ऑन ड्यूटी पे क्लिक किया है तो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है अटेंडेंस ऑलरेडी टेकन, मतलब इन्होंने अटेंडेंस बना रखा है। तो इस वीडियो की मदद से हम जाने हैं कि मार्क ऑन ड्यूटी और सेल्फ अटेंडेंस में क्या अंतर है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।